सो हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट कैरेक्टर्स फॉर रैंक पुशिंग के बारे में। तो अगर आप लोग इस सीजन में रैंक पुश करने का सोच रहे हो, तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं टॉप 10 बेस्ट कैरेक्टर्स बताने वाला हूं, जिसको कि आप यूज कर सकते हैं अगर आप लोग रैंक पुश करना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों को जानना है वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। अब देखो भाई, बेसिकली हमारे गेम के अंदर ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका यूज़ करके आप लोगों को अनलिमिटेड एचपी मिल सकता है। मतलब 370 एचपी, 390 एचपी तक मिल सकता है, लेकिन उसके अंदर आपको सिर्फ एचपी ही मिलेगा, उसके अलावा और कोई दूसरा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, जो कि रैंक पुशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि देखो भाई, अगर आपको रैंक पुश करना है ना, तो उसके अंदर आपको एचपी के साथ साथ और भी कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, जिससे आप लोग स्ट्रेटेजिक गेम प्ले कर पाओ। और अगर आप लोग अपने टीममेट के साथ खेल रहे हो, स्क्वाड में खेल रहे हो बेसिकली, तो उसके अंदर आपको पूरा टीम वर्क के साथ खेलना पड़ता है। तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जिनका एबिलिटी यूज करके आपको भी बेनिफिट मिलेगा और आपके टीममेट को भी बेनिफिट मिलेगा, जिससे आपको किल भी मिलेगा और एंड में जाकर आप लोग बूया भी कर पाओगे। लेकिन गाइस, आप लोग टेंशन मत लो, अगर आपको अनलिमिटेड एचपी वाला कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है, तो आपको मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा, जिससे आप अपने हिसाब से खेल सकते हो। लेकिन अगर आप लोग सीरियसली स्ट्रेटेजिकली टीम वर्क के साथ रैंक पुश करना चाहते हो, तो आपको मैं जो जो कैरेक्टर्स बताने वाला हूं, आप लोग उन्हीं कैरेक्टर्स को यूज करना, क्योंकि वही कैरेक्टर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है रैंक पुश करने के लिए। और बिलीव मी गाइस, मैं जो भी कैरेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूं, अगर आप लोग अपने कॉम्बिनेशन के अंदर उन कैरेक्टर्स को रखोगे, तो आपको डेफिनेटली फायदा देखने को मिलेगा और आपका रैंक बहुत ही इजीली पुश हो जाएगा। लेकिन गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि भाई, अगर आपको आगे जाकर ये वीडियो पसंद आता है, यूजफुल लगता है, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करके जाना। और अगर आप चैनल पे न्यू हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पैसिव कैरेक्टर्स के बारे में, कि कौन कौन से पैसिव कैरेक्टर को आप लोग अपने कॉम्बिनेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं रैंक पुशिंग के लिए, तो गाइस, सबसे पहली जो हमारी कैरेक्टर है जिसको कि आपको रैंक पुशिंग के अंदर यूज करना चाहिए, वो है गाइस केली कैरेक्टर। और केली को यूज करने से आपको 6% का स्प्रिंटिंग स्पीड देखने को मिलता है, जिससे कि अगर आप लोगों को जोन के अंदर सर्वाइव करना पड़ता है या फिर आपको फाइट लेना पड़ता है, तो उन दोनों ही केस में जोन से बाहर निकलने के लिए भी और फाइट के अंदर स्प्रिंटिंग स्पीड का फायदा लेने के लिए भी आपको केली का जो एबिलिटी है उसको यूज करना चाहिए, जिससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा रैंक पुशिंग के अंदर। और केली की जगह आप लोग चाहो तो मीशा को भी यूज कर सकते हो, अगर आप लोग व्हीकल्स का बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो जोन से बाहर निकलने के लिए या फिर फाइट से एस्केप करने के लिए आप लोग मीशा का जो एबिलिटी है उसको काफी बड़ी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहो तो केली की जगह मीशा को भी प्रेफर कर सकते हो। अब इसके बाद गाइस, जो हमारा अगला कैरेक्टर है वो है गाइस एंड्रू कैरेक्टर। अब एंड्रू को यूज करने से आपका जो आर्मर का ड्यूरेबिलिटी है ना, वो 20% इंक्रीज हो जाता है, और साथ में आपके पास इलाइट एंड्रू भी होगा, तो आपके वेस्ट और हेलमेट के ऊपर, यानी कि जो आपके आर्मर के ऊपर डैमेज पड़ेगा, वो भी 11% कम पड़ेगा। और अगर आपके सभी टीममेट के पास इलाइट एंड्रू का एबिलिटी होगा, तो 15+15+15+ आपका 11, मतलब टोटल 56% आपके आर्मर के ऊपर डैमेज कम पड़ेगा, मतलब इनडायरेक्टली आपके ऊपर डैमेज कम पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप सभी के पास इलाइट एंड्रू का एबिलिटी होगा और आपके किसी स्क्वाड के साथ फाइट होगी, तो वहां पर आप लोगों के ऊपर कितना कम डैमेज पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहा हूं गाइस, अगर आप लोगों को स्ट्रेटेजिकली रैंक पुश करना है पूरे टीम वर्क के साथ, तो आप लोग इन कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हो, जिससे आपको रैंक पुशिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके बाद गाइस, जो हमारा अगला कैरेक्टर है वो है गाइस मैक्सिम कैरेक्टर। और मैक्सिम को यूज करने से आपका जो मेडिकेट करने का स्पीड है वो 25% से बढ़ जाता है। तो अगर आप लोग जोन के अंदर सर्वाइव कर रहे हो या फिर जोन के अंदर फंसे हुए हो या फिर आप फाइट कर रहे हो और वहां पर आपका हेल्थ कम है, तो अगर आपके पास मैक्सिम का एबिलिटी होगा, तो आप जल्दी से अपने आप को हील करके रिकवर करके वहां से निकल सकते हो और फाइट के अंदर आप लोग इजीली फाइट को विन कर सकते हो। तो इन सिचुएशंस में आप मैक्सिम का काफी बढ़िया यूज कर सकते हो रैंक पुशिंग के लिए। अब इसके बाद गाइस, जो हमारी नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है गाइस मोको। अब मोको को यूज करने से अगर आप किसी भी एनिमी को डैमेज देते हो, तो वो 5 सेकंड के लिए मार्क हो जाता है। और अगर आपके पास इलाइट मोको भी होगा और एनिमी मार्क होने के बाद मूव करता है, तो वो 6.5 सेकंड के लिए और ज्यादा मार्क हो जाता है। अब यहां पर गाइस, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई रैंक पुशिंग के अंदर मोको का क्या काम है, तो बेसिकली गाइस, अगर आप लोग रैंक पुशिंग कर रहे हो अपने स्क्वाड के साथ, तो वहां पर मान के चलो कि भाई आपके टीममेट को आपके एनिमी का लोकेशन नहीं पता, लेकिन आपको पता है, तो आप एनिमी को जैसे ही डैमेज दोगे, तो उसका लोकेशन है, जो एग्जैक्ट लोकेशन है, वो आपके सभी टीममेट के साथ शेयर हो जाएगा, जिसके बाद आप लोग स्ट्रेटेजी बनाकर सामने वाले एनिमी को बहुत ही इजीली मार सकते हो। और ये चीज का बेनिफिट आप लोग शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज दोनों के अंदर उठा सकते हो। तो अगर आप लोगों को रैंक पुश करना है स्ट्रेटेजिकली, तो आप लोग मोको का जो एबिलिटी है उसको जरूर से यूज करना। अब इसके बाद गाइस, जो हमारा लास्ट पैसिव कैरेक्टर है वो है गाइस हयातो कैरेक्टर। और हयातो कैरेक्टर को यूज करने से अगर आपका मैक्सिमम हेल्थ से 10% या फिर उससे कम हेल्थ होगा, तो आपका जो आर्मर पेनिट्रेशन है वो 7% इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एनिमी का जो हेलमेट है वेस्ट है वो ज्यादा डैमेज होगा, मतलब इनडायरेक्टली उसके ऊपर ज्यादा डैमेज पड़ेगा। और साथ ही में अगर आपके पास इलाइट हयातो का भी एबिलिटी होगा, तो आपके ऊपर 3.5% जो फ्रंटल डैमेज है वो भी कम पड़ेगा। तो हयातो का जो एबिलिटी है ना गाइस, वो आपको फाइटिंग के बीच में हेल्प करने वाला है, क्योंकि गाइस अगर आपके पास हयातो का एबिलिटी होगा, तो आपके ऊपर एक तो डैमेज कम पड़ेगा, और दूसरी बात कि भाई आप एनिमी के ऊपर जब डैमेज दोगे, तो उसके ऊपर ज्यादा डैमेज पड़ेगा, मतलब वो बहुत ही कम गोली के अंदर डाउन हो जाएगा। तो रैंक पुशिंग के टाइम अगर आपको फाइट करना पड़े, तो वहां पर जो हयातो का एबिलिटी है वो काफी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि देखो भाई, अगर आपको रैंक पुश करना है, तो ऑब्वियसली
आपको 4-5 किल्स तो करने पड़ेंगे तभी आपको अच्छा खासा प्लस मिलेगा, तो वहां पर आपको फाइट लेना पड़ेगा। तो फाइट को जीतने के लिए आपको हयातो का जो एबिलिटी है वो आपका हेल्प करेगा। तो ये तो गाइस बात हो गई हमारे पैसिव कैरेक्टर्स की। तो अब अगर मैं बात करूं हमारे एक्टिव कैरेक्टर्स के बारे में जिनको आप रैंक पुशिंग के अंदर यूज कर सकते हो, तो सबसे पहला जो हमारा नाम है वो है गाइस क्लू कैरेक्टर। अब इसके एबिलिटी को यूज करने से आप 75 मीटर के अंदर एनिमीज को स्कैन कर सकते हो 10 सेकंड्स के लिए, उसका जो कूल डाउन टाइम है वो है गाइस 50 सेकंड। अब इस कैरेक्टर का जो एबिलिटी है वो है तो काफी यूजफुल रैंक पुशिंग के लिए, क्योंकि अगर आप लोग कहीं पर रस करने जा रहे हो या फिर सर्वाइव करने जा रहे हो तो वहां पर अगर आप लोग क्लू का स्किल यूज कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास कोई एनिमी है या फिर नहीं है। लेकिन इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या है कि इसका जो रेंज है वो थोड़ा सा कम है, और साथ ही में अगर आप लोग स्कैन करोगे तो सिर्फ उन्हीं एनिमीज का लोकेशन आपको दिखेगा जो या तो दौड़ रहे होंगे या फिर खड़े होंगे। अगर वो बैठे होंगे या फिर लेटे होंगे तो उनका लोकेशन आपको मिनी मैप के अंदर नहीं दिखेगा। बट हाँ, एबिलिटी काफी यूजफुल है रैंक पुशिंग के लिए, आप इसको यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अब इसके बाद गाइस जो हमारा अगला कैरेक्टर है वो है गाइस स्काइलर कैरेक्टर। अब स्काइलर कैरेक्टर के एबिलिटी को यूज करने से आप लोग 100 मीटर के अंदर 5 ग्लोबॉल्स को एक ही बार में फोड़ सकते हो, और साथ ही में जब आप ग्लोबॉल लगाते हो तो आपको उससे एचपी भी मिलता है, और इसके जो कूल डाउन टाइम है वो है सिर्फ 60 सेकंड्स का। अब देखो भाई, स्काइलर को यूज करने से फायदा ये होगा कि अगर फाइट हो रही है तो वहां पर आप लोग अपने टीममेट का हेल्प कर सकते हो। अगर कोई ग्लोबॉल लगाकर पैक करके बैठा हुआ है या फिर ग्लोबॉल के पीछे हील कर रहा है तो उसका ग्लोबॉल फोड़कर आप अपने टीममेट का हेल्प कर सकते हो शॉर्ट रेंज या फिर लॉन्ग रेंज के अंदर। और साथ ही में जब आप फाइट कर रहे होंगे तो अगर आपके सामने कोई एनिमी वॉल लगाकर खड़ा है हील कर रहा है अपने आपको, तो उसका भी वॉल फोड़कर आप उसको बहुत ही इजीली मार सकते हो, और जब आप ग्लोबॉल लगाओगे तो आपको एचपी भी रिकवर होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो एबिलिटी है वो रैंक पुशिंग के लिए अगर आप लोग पूरे टीम वर्क के साथ खेल रहे हो तो काफी यूजफुल होने वाला है। इसके बाद गाइस जो अगला रैंक है ना उसके अंदर मैं सोच रहा था कि वुकोंग को इंक्लूड करूं, बट मैंने वुकोंग को ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके अंदर जो एबिलिटी है ना वो रसर्स के लिए काफी बढ़िया होता है, लेकिन रैंक पुशिंग के अंदर ज्यादातर बंदे रस नहीं करते हैं, और जो किल्स हम लोग प्रेफर करते हैं कि भाई या तो हम लॉन्ग रेंज से निकाल ले या फिर कोई हमारे ऊपर रस करने आए तब उनको मार के हम लोग किल्स निकाले, लेकिन कोई जानबूझकर रस नहीं करना चाहता है, क्योंकि भाई सबको पता है कि अगर हम लोग सीरियसली रैंक पुश कर रहे हैं और वहां पर रस ही रस खेलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर हमारे रैंक को दिक्कत हो सकती है, हमारा रैंक माइनस हो सकता है। तो इसलिए ज्यादातर बंदे रैंक पुशिंग के टाइम पे रस ज्यादातर नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई आप लोग A124 का एबिलिटी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके एबिलिटी को यूज करने से आप सामने वाले एनिमीज का जो एक्टिव स्किल है ना उसको डिसेबल कर सकते हो। तो जब भी आपकी फाइट होगी, आपकी टीम की फाइट होगी, तो वहां पर आप सामने वाले एनिमीज के ऊपर इसका स्किल यूज कर सकते हो, जिससे वो जो एनिमीज होंगे ना वो अपना एक्टिव स्किल यूज नहीं कर पाएंगे, जिससे आपकी टीम के ऊपर एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आप सामने वाले एनिमीज को बहुत ही इजीली मार सकते हो। क्योंकि ऑब्वियसली गाइस सामने वाले जो एनिमीज होंगे उनका जो एक्टिव स्किल है वो यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब उनके पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं होगा, तो आप लोग सभी मिलकर सामने वाले एनिमीज को या फिर स्क्वाड को बहुत ही इजीली वाइप आउट कर सकते हो। तो इसलिए गाइस अगर आप लोग रैंक पुश करते हो पूरे स्क्वाड के साथ करते हो तो मेरे ख्याल से आप लोग A124 का जो एबिलिटी है उसको भी आज के टाइम पे यूज कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप लोग रस करके खेलना पसंद करते हो, आप लोग घुसकर मारना पसंद करते हो, मतलब आप लोग रस करके ही रैंक पुश करते हो, तो आप लोग वुकोंग का एबिलिटी को भी यूज कर सकते हो। उसका एबिलिटी खराब नहीं है, काफी बढ़िया है, लेकिन क्योंकि रैंक पुशिंग के टाइम पे ज्यादातर बंदे रस नहीं करते हैं तो इसलिए मैंने वुकोंग को स्किप करके A124 को आपको रेफर किया। तो इसके बाद गाइस जो हमारा अगला कैरेक्टर है वो है गाइस आलोक कैरेक्टर। अब आलोक के एबिलिटी को यूज करने से आपको 15% का मूवमेंट स्पीड देखने को मिलता है, और साथ ही में 10 सेकंड के लिए 5-5 करके जो एचपी है वो रिकवर होता है, और जो कूल डाउन टाइम है वो है सिर्फ 50 सेकंड्स का। अब रैंक पुशिंग के लिए गाइस आज के टाइम पे भी जो आलोक का एबिलिटी है वो काफी यूजफुल है, क्योंकि देखो भाई, एक तो इसके अंदर आपको 15% का मूवमेंट स्पीड मिलता है, तो आप लोग जोन से बाहर निकलने के लिए इसका एबिलिटी यूज कर सकते हो, और अगर आपकी फाइट हो रही है तो उस टाइम पे भी आप इसका एबिलिटी यूज कर सकते हो, और दूसरी बात आपको इसके अंदर एचपी रिकवर वाला भी एबिलिटी मिलता है। तो कहीं ना कहीं रैंक पुशिंग के लिए आप सभी को पता है कि भाई जो एचपी रिकवर वाले कैरेक्टर्स है वो काफी बढ़िया माने जाते हैं, तो सिमिलरली आलोक को भी आप आज के टाइम पे यूज कर सकते हो रैंक पुशिंग करने के लिए। अब इसके बाद गाइस जो हमारा गेम का बेस्ट एक्टिव कैरेक्टर है रैंक पुशिंग के लिए वो है गाइस के कैरेक्टर। और के कैरेक्टर के अंदर आपको दो मोड मिलता है, एक मोड के अंदर आपको फ्री में ही मतलब अपने आप ही ईपी मिल जाता है, 250 ईपी अपने आप ही मिल जाता है, और दूसरे मोड के अंदर जो ईपी टू एचपी कन्वर्जन रेट है वो 500% बढ़ जाता है, मतलब जो ईपी टू एचपी कन्वर्ट होता है वो 500% की स्पीड से होता है, और दोनों मोड का जो कूलडाउन स्विचिंग टाइम है वो है सिर्फ 3 सेकंड का। अब के कैरेक्टर का एबिलिटी रैंक पुशिंग के लिए कितना यूजफुल है ये ऑलरेडी आप सभी को पता है, क्योंकि भाई देखो आपको इसके अंदर एक तो फ्री में ही अपने आप ही ईपी मिल जाता है, तो आप लोग जोन के अंदर बहुत ही इजीली सर्वाइव भी कर सकते हो, और अगर आपका हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो गया तो आप उसको बहुत ही इजीली रिकवर भी कर सकते हो। अगर आपके पास मेडिकेट्स की कमी है तब भी आप बहुत ही आसानी से अपना जो एचपी है उसको इजीली रिकवर कर सकते हो। और इसका भी जो एबिलिटी है वो आलोक की तरह ही बल्कि आलोक से भी बढ़िया है सर्वाइव करने के लिए, और रस करते टाइम भी जब भी आपकी फाइट हो रही हो तो उस टाइम पे भी आप इसके एबिलिटी को यूज कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो के का एबिलिटी है वो मेरे अकॉर्डिंग रैंक पुशिंग के लिए सबसे बेस्ट एक्टिव एबिलिटी है। तो ये थे गाइस बेस्ट एक्टिव एंड पैसिव कैरेक्टर्स फॉर रैंक पुशिंग। तो अगर आप लोग रैंक पुश करना चाहते हो तो इन कैरेक्टर्स का आप लोग यूज कर सकते हो अपने कॉम्बिनेशन के अंदर अपने रैंक को इजिली पुश करने के लिए। तो अब अगर मैं बात करूं गाइस उस कॉम्बिनेशन के बारे में जिसको सो कॉल्ड अनलिमिटेड एचपी वाला कॉम्बिनेशन कहा जाता है, तो इसके अंदर एक्टिव स्किल के अंदर आप लोग एक्सेन या फिर के कैरेक्टर को यूज कर सकते हो। उसके बाद पैसिव स्लॉट्स के अंदर आपको सबसे पहले रखना है लुकेटा का एबिलिटी को, अगले स्लॉट के अंदर आपको रखना है कपिला को, और लास्ट वाले स्लॉट के अंदर आपको रखना है जोटा को, और साथ में अगर आपको वेस्ट एचपी बूस्टर मिल जाए तो उससे आपको 20 या फिर 30 एच
एचपी और मिल जाएगा, और साथ में आपको एक और पेट रखना जिसका नाम है पांडा पेट, जिससे आपको पर किल पे 10 एचपी मिल जाएगा। तो अगर आपको सिर्फ अनलिमिटेड एचपी वाला ही एबिलिटी चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आप इस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एचपी का ही कॉम्बिनेशन मिलेगा, उसके अलावा और कोई दूसरा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको एचपी वाला ही कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप लोग इस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्थ मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 300 के आसपास। तो आप इसको यूज कर सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो। बट अगर आपको एक ओवरऑल बेस्ट कॉम्बिनेशन चाहिए तो इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर लेना। बाकी आज का ये वीडियो ये तक, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर देना, हमारे ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।